राधे राधे, मैं लीला मिश्रा आज आपको किस्सा सुनाऊंगी अपनी शादी की सालगिरह का। शादी की सालगिरह से पहले ही मेरी लड़की कई दिन पहले से बोल रही थी, मम्मी मैं आपको गिफ्ट दूंगी, पापा मम्मी मैं आपको दोनों को गिफ्ट दूंगी आपकी। मैंने कहा क्या गिफ्ट देगी बेटा, रहने दे, लड़की छोटी है, लड़के दो बड़े हैं मेरे। मैंने कहा रहने दे, ट्यूशन पढ़ाती है वो। तो कह रही नहीं, मैं आपको गिफ्ट दूंगी आपकी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा छोटा मोटा जो इसका मन होगा दे देगी। तो उसको ट्यूशन की फीस से 5,000 रुपये मिले थे, तो उसने वो रख रखे थे। तो मेरे से बोलती है चलो, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से ला के रख दूंगी कुछ भी, और वो आपको लेना पड़ेगा, फिर चाहे पसंद आए ना आए। मैंने कहा पैसे खराब करेगी, मैंने कहा चलो कुछ दिला देगी जो इसकी इच्छा है, ये भी खुश हो जाएगी। मैं गई उसके साथ, तो कहती है मैंने उसको चांदी की चेन दिलवाई थी, 2,000 की आई थी। तो वो भी ये सोची कि सोना चांदी, उसको भी इतना ध्यान नहीं है, वो ध्यान नहीं रखती है कि क्या भाव सोना है क्या चांदी है, ना लेना है, मम्मी पापा कपड़े दिलाते हैं हम ही लोग, तो वही, तो ये चीज़ ध्यान नहीं रहता उसे, और ना ही उसे मतलब है इन चीज़ों से अभी। तो वो कह रही सोची कि 2,000 की मम्मी ने मेरे को चांदी की चेन दिलाई थी ना, तो सोने की भी इसी रेट आएगी, सोना चांदी उसके लिए एक समान ही है, बस वो पीला है वो सफ़ेद है, मम्मी पापा दिलाते हैं जो भी दिलाना होता है। तो मेरे से बोली कि मम्मी मैं आपको चैन दिलाऊंगी और पापा को कपड़े दिलाऊंगी। मैंने कहा साक्षी कितने हैं बेटा? तो कह रही मम्मी 5,000 है मेरे पास। मैंने कहा 5,000 है? मैंने कहा बेटा उसमें कपड़े ले लेते हम, वो नहीं आएगा, सोना चांदी नहीं आता, वो तो बहुत महंगा होता है। कह रही क्यों, आपने भी तो 2,000 में मेरे को चैन दिलाई थी। मैंने कहा बेटा वो तो चांदी की थी, वो आ जाती है। मैंने कहा उसकी थोड़ी ना आती है। मैंने कहा आपकी जो इच्छा है वो दिला दो मेरे को। तो कह रही, मैंने कहा कि फिर निराश हो गई, कह रही नहीं मैं तो यही सोच के आई थी। मैंने कहा ऐसा है थोड़े पैसे मैं लगा देती हूँ, अगर 10-12 हज़ार में आता है कोई चीज़ तो ले लूँ। तो कहती नहीं मैं तो अपने पैसों का लूंगी। तो मैंने कहा बेटा अभी कपड़े दिला दो, फिर कभी दिला देना। मैंने कहा मेरे को इससे ही बड़ी खुशी, चलो तुम्हारी सोच है जैसी भी बच्चे की, ठीक है। तो फिर राजी हो गई किसी तरह। मैंने कहा हाँ ड्रेस दिला दो। तो उसने मेरे को ड्रेस दिलाई, फिर लेके आई और खुश हो गई, फिर उसे अच्छा लगा दिला के। फिर कह रही हाँ इसी को पहनना आप मेरे सा वो अपनी सालगिरह वाले दिन। तो कह रही पापा के लिए? मैंने कहा पापा के लिए तो टी शर्ट, फिर उसने पापा के लिए अच्छी सी कोई टी शर्ट पसंद करी। मैंने कहा इतना ही काफ़ी है, क्योंकि महंगे आते हैं हर चीज़। मैंने कहा आप अपने लिए ले लो। कह रही नहीं मैं तो आप दोनों के लिए लाई हूँ। तो मेरे को इस चीज़ से खुशी हुई कि बच्चे ऐसा सोचते हैं, कि मतलब बच्चों की ये भावनाएं देख के बड़ी खुशी होती है माँ बाप को, माँ बाप तो इसी से खुश हो जाते हैं। राधे, खुश रहिए, कल मिलेंगे एक नए कहानी के साथ।